हेलो तो गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिस इज़ माय एड ब्लॉग। और मैं आपके लिए बी फार्मेसी थर्ड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट वन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो अपन इसको टॉपिक वाइज में कम्प्लीट कर देंगे। बेंजीन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। दीज आर दोज केमिकल कंपाउंड इन विच कार्बन एटम अटैच विथ अदर एटम और एलिमेंट। तो आप सभी को पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 कंपाउंड है। अभी वो उनमें से 117 इनऑर्गेनिक में आते हैं और एक कंपाउंड है वो कार्बन, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो जितने भी कंपाउंड है जो कार्बन के साथ मिलकर बने हुए हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब कार्बन के साथ कौन कौन से बने हैं, एग्जांपल मोस्ट कॉमनली यूज्ड एटम आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इटीसी। एग्जांपल की बात करें जाए तो CH4 मीथेन, सी मीथेन, CH2 कार्बन डाइऑक्साइड, HCl और HCN, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे, ये दोनों नहीं हैं। इनमें ओनली कार्बन कार्बन है लेकिन क्लोराइड और साइनाइड है इसलिए ये नहीं है। बात करें CH4 की तो एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये एकदम प्रॉपर है। सेकेंड CO2 कार्बन के साथ O2 लगे हुए हैं। अब इसकी अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलाफेटिक एरोमेटिक। एलाफेटिक के अंदर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। अपन बात करें नॉन साइक्लिक के अंदर तो एक होती है ब्रांच चेन और एक होती है क्लोज चेन। एरोमेटिक की बात करें दोस कंपाउंड विच फॉलो हकल्स रूल्स। नॉन साइक्लिक के अंदर ब्रांच चेन होती है एक और स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन, और ये हकल्स रूल को फॉलो करता है एरोमेटिक। बात करें बेंजीन की, बेंजीन इज अन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 6 कार्बन एटम अटैच विथ 6 हाइड्रोजन एटम, इट कंटेन रेजोनेंस। बेंजीन वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैटुलर स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कैटुलर स्ट्रक्चर, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, ये हमारा कैटुलर स्ट्रक्चर है, एकदम सिंपली इसको अपन यूज़ करते हैं। कैटुलर स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट है जिनने, इन पर एक फैक्ट है कैटुलर स्ट्रक्चर पे, एक फैक्ट ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो बरसात में चारपाई बिछाकर लेटे हुए थे तो उनको एक स्नेक दिखा जो कि उसने अपने मुंह से अपनी पूंछ को दबा के रखा था और उनको एक स्ट्रक्चर दिखा बेंजीन जैसा, तो उन्होंने कैटुलर स्ट्रक्चर अपना रख दिया नाम। बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड, फर्स्ट कार्बन इज कनेक्टेड विथ 6 कार्बन, मीन्स दैट फर्स्ट कार्बन 6 कार्बन से कनेक्टेड होता है। सो बेंजीन इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड फॉलो हकल्स रूल, सो इट एरोमेटिक्स, मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। सेकेंड केमिकल स्ट्रक्चर, मोलिकुलर फॉर्मूला, C6H6 मोलिकुलर वेट 78, इट कंटेन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड बोथ, इट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120, बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन 1.3 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन। रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस में क्या हो रहा है, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्टिंग हो रही है हमारी इलेक्ट्रॉन की, ये कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहेंगे। और ये हमारा बेंजीन है, रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहेंगे पाई बॉन्ड, सो इट्स सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
हकल रूल्स क्या है, ये हम एरोमेटिक कंपाउंड को चेक करने के लिए करते हैं। हकल रूल्स जैसे मैंने बताया टू चेक एरोमेटिक सिटीज, में अपन एरोमेटिक चेक करते हैं। थ्री रूल्स है इसमें, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, मतलब कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड रेजोनेंस, 4Na+2=πe, ये फॉर्मूला है, वेयर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ऐसा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और ये फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है अपन ने इसमें पुट कर दी है पाई की वैल्यू, जैसा कि आपको दिख रहा है, और n = 1 आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।